नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाटा पान CNG और हुंडई एक्स्ट्रा CNG से कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको दोनों कंपनियों में किसकी गाड़ी पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और उसके साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे ऑटोमेटिव कंटेंट के लिए। चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम दोनों गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर आपको टाटा पंच में इंजन देखने को मिलता है, वही 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है आपको एक्स्ट्रा में। वही अगर पावर की बात करते हैं तो पावर आप सभी लोगों को पंच में जो है 74 हॉर्स पावर जनरेट करके देती है CNG के साथ, और वहीं पर अगर हम हुंडई एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो 69 हॉर्स पावर जनरेट करके देती है। और वहीं अगर टॉर्क की बात करते हैं तो 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क पंच से मिलेगा और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको हुंडई एक्स्ट्रा से देखने को मिलेगा। गाड़ी में अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं, वैसे CNG की बात हो रही थी, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन होगा नहीं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको पंच भी देखने को मिलेगी, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको जो है हुंडई एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ अगर हम क्लेम्स माइलेज की बात करते हैं तो हाँ, आपको पंच में 26 का माइलेज देखने को मिल जाए पर केजी CNG पे, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा में आपको 28 का माइलेज देखने को मिल जाएगा। और दोनों गाड़ियों में अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में बिल्कुल सेम तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपको हुंडई एक्स्ट्रा में भी सनरूफ ऐड ऑन कर दिया गया है और टाटा पंच में भी आपको सनरूफ देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसमें भी देखने को मिलता है और हुंडई एक्स्ट्रा में भी 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम पंच और एक्स्ट्रा के शोरूम प्राइस पॉइंट की बात करें तो 7,10,000 रुपये से लेके 9,68,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पर आएगी आपकी पंच CNG। उसके साथ साथ हुंडई एक्स्ट्रा 8,24,000 रुपये से लेके 8,97,000 रुपये इसका CNG वेरियंट देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को डिटेल्स पूरी मिल चुकी होंगी कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेस्ट है। और एक चीज़ मैं लास्ट में जाते हुए बता देता हूँ कि हुंडई एक्स्ट्रा का अभी तक कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है और वहीं टाटा पंच का क्रैश टेस्ट हो चुका है ग्लोबल एनकैप के द्वारा, जिसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग्स भी मिल रखी है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन दोनों गाड़ियों में कौन सी ज़्यादा बेस्ट गाड़ी है। आप लोगों के कमेंट पर ही हम लोग देखेंगे कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। और हाँ, अगर आपको ऐसे ऑटोमेटिव कंटेंट और भी चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।